नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नवदीप टुडे। दिल्ली के वाहन चालकों के लिए एक बुरी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर राजधानी दिल्ली में 22 मार्च से लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा सीधा असर दिल्ली के वाहन चालकों के ऊपर पड़ रहा है। दिल्ली में जो दाम बढ़े हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वो 5 दिन से, ठीक है, तो उस पर आपकी जेब के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? देखो, जब दाम बढ़ता है कुछ तो फ़र्क पड़ता है पब्लिक के ऊपर। जैसे कि पब्लिक पहले आ रही थी, सेल में बहुत डाउन पड़ा है, और तकरीबन जो हम बाइक से जा रहे थे, अब हमने तकरीबन बसों में जाना स्टार्ट कर दिया। इतनी महंगाई में देखते हुए नॉर्मल सैलरी 12-13 हज़ार में आजकल क्या होगा पब्लिक का, तो इस चीज़ का हमने जो बाइक थी घर पे, वो बाइक के घर पे खड़ी हैं, बाइकें कम चलाना हो रही है, बसों में से सफ़र कर रही हैं। हर साल के हर महीने दो महीने में तो बढ़ ही रहा है, ये हमेशा बढ़ने से हमें आने जाने के लिए सोचना पड़ता है कि कहीं जाएँ आएँ ना आए, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ में। तो क्या बताएं, अब जैसे प्रभाव तो आई है महंगाई के हिसाब से, हम लोग मजदूर आदमी हैं, जिस हिसाब से बेसिक सैलरी तो हम लोगों का बढ़ नहीं रहा है, तो हमारे लिए तो महंगाई है पेट्रोल या डीजल जो भी हो। बोलना ये चाहूँगा बेटा, गरीब आदमी के तो बस का रहा नहीं कुछ, बाकी यह है कि दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है, युद्ध का भी उसका हो रहा है यूक्रेन वाले का असर, और सर रोजाना महंगाई बढ़ती जाती है, पर बेटा लेना तो पड़ेगा ही, उसमें सरकार की भी कोई गलती ना है इतनी, हम यह कह दें सरकार की गलती है। सब कुछ फ्री तो मिलेगा नहीं, पैसे तो लगेंगे, किसी भी सुविधा के लिए कोई भी बात है पैसे लगेंगे बेटा, चाहे कोई भी। मैडम, वैसे हमारे को जो है इंडिया की इकनॉमी के ऊपर जो है सोचना चाहिए कि पेट्रोल के रेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किस वजह से बढ़ रहे हैं कि बाहर देशों से जो पेट्रोल आ रहा है उसकी जो है कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, और अगर हम ये सोचेंगे अपने फ़ायदे के लिए कि तेल तेज हो रहा है और जो है ये हमारे लिए दिक्कत वाला काम है, हमारी जेब पे भारी पड़ रहा है, वो हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। जी अच्छा नहीं हुआ, तो हम बहुत मजबूर है, पैसे इतने होते नहीं है कि तेल का तेल हम डलवा ले। 100 रुपये का तेल डलवाया, 1 लीटर तेल आया है जी, 1 लीटर में देख लो ये शाम तक नहीं चल पाए, 1 लीटर में कम से कम ज़्यादा 30-40 किलोमीटर आपस लोकल में घूम सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कल तक की 97.6 था कल, और आज 99.1 है। जी पब्लिक से ही निकाल रहे हैं, ये पूरा लूट रहे हैं। सवाल ये है ना कि चुनाव के बाद ही क्यों होता है ये, चुनाव के पहले क्यों नहीं होता? उसमें विजन है उनका कि हाँ हम अपना मत नहीं पाएंगे, हमको बड़ा असर पड़ेगा पब्लिक पे, तो चुनाव हो गया, इनका काम हो गया, उसके बाद बढ़ा दिया रेट, उनसे क्या मतलब? उनको तो गवर्नमेंट के पेट्रोल से चलना है, उनकी जो व्हीकल है उस पर गवर्नमेंट का पेट्रोल लगना है, हमें तो खुद को कमाना है, खुद को यूज़ करना है, ये गलत है। तो परेशान होना है हमको, घर से लेके यहाँ तक परेशान होना है, हर चीज़ इस पर बढ़ेगा। पेट्रोल अगर आपका बढ़ा तो हर चीज़ बढ़ेगा, डीजल बढ़ा हर चीज़ बढ़ेगा, सारे सामान बढ़ जाएंगे, ये असर है जी। महंगा तो है ही, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मेरा डेली का अब 125-30 रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाता है आने जाने में विश्वविद्यालय तक, पहले इतना महंगा नहीं होता था, घर भी बन रहा है हमारा, तो पापा मिडिल क्लास आदमी है हम, तो बहुत ज़्यादा असर आता है घर के, छोटे छोटे जगह से पैसे बचाने पड़ रहे हैं, तो यही असर आया। क्या बोलना चाहोगे? ये तेल तो बहुत महंगा हो गया जी, गरीब आदमी को मार रही सरकार। इंटरनेशनल लेवल पर जो कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, उसका सीधा सीधा असर जनता की जेब पे पड़ता दिखाई दे रहा है, जिससे जनता काफ़ी परेशान भी है। अब आगे देखना ये होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कहां तक ऊंचाइयां छुएंगे। कैमरामैन अरुण के साथ मैं मनीषा, नवदीप टुडे, दिल्ली। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।